रहीम। नाजरीन, आज हम पहुंचे हैं गांव कोडेइयो के अंदर। ये डिस्ट्रिक्ट हिंडानी का गांव है और यहां की आबादी 1200 अफराद पर मुश्तमिल है। ये भी आपने बस्ती देखी, ये चारों तरफ घर जो है वो फैले हुए हैं। और ये इस बस्ती की पुरानी मस्जिद थी, आइए आपको दिखाते हैं पुरानी मस्जिद। ये देखिए, ये लेडीज़ का हिस्सा है, ये लेडीज़ का हिस्सा है जहाँ हमारी बहनें आकर नमाज़ पढ़ती थी। ये पुरानी मस्जिद है। और ये दूसरी तरफ जो है ये मर्दों का हिस्सा है जहाँ आकर हमारे भाई नमाज पढ़ा करते थे। ये मर्दों का हिस्सा है। ये देखिए, ये पुरानी मस्जिद थी, ये जामे मस्जिद थी, यहाँ वो नमाज जुमा जो है वो अदा किया करते थे। ये पुरानी मस्जिद है, ये भी देखिए। और अब हम इंशाल्लाह आपको नई जो मस्जिद है, नाज़रीन आपने पुरानी मस्जिद देखी, अब ये नई मस्जिद देखिए, खूबसूरत अल्लाह का घर। ये एक मीडियम मस्जिद है जिसमें 250 प्लस लोग जो है वो नमाज पढ़ सकेंगे। बहनों के लिए अलहदा हाल है, भाइयों के लिए अलहदा हाल है। यहाँ से आगाज़ करते हैं, ये वुजू एरिया है, यहाँ दो टॉयलेट्स बनाए गए, टॉयलेट इस वक्त चालू हालत में। ये वुजू वाला एरिया है, यहाँ हमारे भाई एजाज अशरफ साहब और सबिया बेगम बहन ने वेल डोनेट कर रखा है। जब यहाँ वेल लग जाएगा तो यहाँ पर वुजू का इंतज़ाम हो जाएगा, ऊपर टैंक आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर टूटियाँ लग जाएंगी। अब आपको मस्जिद के अंदर लिए चलते हैं, ये मेन एंट्रेंस है, ये आप देख रहे हैं बोर्ड मेरे पीछे, मस्जिद फैजान उस्मान बिन अफान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये एजाज अशरफ साहब और सुबिया बेगम ने इसाले सवाब के लिए बनवाई है अपने वालदैन के लिए, यानी एजाज अशरफ साहब के वालदैन और सुबिया बेगम बहन के वालदैन को इस खूबसूरत मस्जिद का, मस्जिद फैजान उस्मान बिन अफान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सवाब जाएगा। ये फल फिरकी स्कॉटलैंड से इनका तल्लक है। ये मेरे भाई और बहन सखी घराना है, माशाल्लाह इन्होंने दो मस्जिदें डोनेट की हैं। दोनों मस्जिदों में सोलर कारपेट स्पीकर और दोनों मस्जिदों के साथ वेल, तो माशाल्लाह आज हम इनमें से एक मस्जिद का इफ्तिताह कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये माशाल्लाह बस्ती के लोग इकट्ठे हो चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम ब्रदर। ये देखिए माशाल्लाह मेरी बहन और भाई, ये वायरिंग हो चुकी है, ये दिखाइए जी, ये सोलर लग चुका है मस्जिद के अंदर, ये पंखे लग चुके हैं माशाल्लाह, तीन पंखे इधर लगे हुए हैं, एक उधर है, इस पर मजीद काम भी जारी है। ये सोलर लग चुका है, लाइटें लग चुकी है, प्लीज़ ऑन द लाइट्स। ये देखिए जी, ये रात को भरपूर रोशनी होगी। वो मस्जिद का मेहराब है जहाँ पर खतीब खुतबा देगा और इमाम नमाज पढ़ाएगा, भी नमाज जोहरी आज आ की गई। माशाल्लाह ये खूबसूरत बड़ा हॉल है, यहाँ हमारी बहनें भी आ चुकी हैं, बहनों को भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। ये देखिए माशाल्लाह कितनी बड़ी तादाद में सुबिया बहन बहनें यहाँ आई हुई हैं। ये आपके वालदैन के लिए भी, इनसे हम दुआ करवाते हैं, सूरह फातिहा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पसौती जी। नाज़रीन, ये बहनों ने सूरह फातिहा पढ़ी, इस सब का सवाब एजाज अशरफ साहब और सुबिया बेगम बहन के वालदैन को जाता है। जरा इस तरह दिखाइए, ये लेडीज की एंट्रेंस है और लेडीज आएगी भी इधर से और जाएगी भी इधर से। और ये वुजू एरिया लेडीज का है, वो सामने आपको टॉयलेट्स नजर आ रही है, साथ है वुजू एरिया, जब वेल लग जाएगा तो यहाँ पर ये वगैरह लग जाएगी और ये यहाँ पर वुजू करेगी। वहाँ पर फिर चलते हैं मस्जिद के बड़े हाल में, यहाँ शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, इस मस्जिद के जो इमाम हैं शेख जुमा हुसैन, तो इंशाल्लाह अभी हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो स्पीकर में दुआ करें, स्पीकर में दुआ करें। ये अभी दुआ का मरला आता है। रहीम नाज़रीन, दुआ से पहले मैं एक पैगाम देना चाहूँगा, यहाँ भी हज़ारों बस्तियाँ ऐसी हैं जिनके पास किसी तरह की खस्ता हाल मस्जिदें हैं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने भाई एजाज अशरफ साहब और सबिया बेगम बहन जो उनकी मिसेज है, अहलिया है, जो उन्होंने माशाल्लाह इस बस्ती के लिए ये खूबसूरत तोहफा अल्लाह का घर जो है ये इनको दिया है। यहाँ स्पीकर भी लग चुका है, सोलर भी लग चुका है, कारपेट भी, ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर हम इसी तरह की अब कारपेट बिछा रहे हैं क्योंकि दूसरी कारपेट जो है, क्योंकि बाहर बिल्कुल मट्टी है, जब मट्टी वाले पाँव लेकर आते हैं तो वो ख़राब हो जाती है, तो ये वाशेबल
कारपेट है, दोनों तरफ जो है ये कारपेट चिकाई जो है इनके ये बिछाई गई है। तो नाजरीन आप भी आगे बढ़िए, एक छोटी मस्जिद 7,500 पाउंड में, मीडियम मस्जिद 10,500 पाउंड में और बड़ी जामा मस्जिद 15,000 पाउंड में, तो रेस्ट कीजिए। अभी यहाँ हजारों बस्तियाँ हैं जिनकी ज़रूरत है कि वहाँ मस्जिदें बनाई जाए। ये बेचारे उन्हीं खस का हाल, पुरानी मस्जिदों में नमाजें पढ़ते हैं। तो आप दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि। रब करीम ये खूबसूरत तोहफा, ये अल्लाह के घर तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पर अमल करते हुए ये हमारे भाई इजाज रसूल साहब और समिया बेगम बहन ने ये एक मीडिया मस्जिद इस बस्ती कोडियो नाम है और ये डिस्ट्रिक्ट इंदानी है और यहाँ पर 1200 फ्राम बस्ती है, इनके लिए उन्होंने जामा मस्जिद बनाई है। मौला करीम इनके सदके जारिया को कबूल फरमा, मौला करीम इस सदके जारिया के सदके इजाज रसूल साहब और समिया बेगम और जो जो इनकी नेक दिली ख्वाहिशात है हाजात है मौला करीम पूरी फरमा, और जो जो भाई इस्लामिक के साथ दामन कर रहे हैं, मस्जिदें बना रहे हैं, बैल लगा रहे हैं, सोलर सिस्टम दे रहे हैं, कारपेट बिछा रहे हैं मस्जिदों में, मौला करीम सबकी डोनेशन को कबूल फरमा। मौला करीम इस तहरीक के रूए साहबजादा फिर सुल्तान नियाज हसन गाजी साहब और इस्लामिक की पूरी टीम, यूके की, तंजानिया की, तकरीर टीवी की टीम, सबको ढेरों रहमत और बरकत अता फरमा। आप इस मस्जिद के जो इमाम हैं जुमा हुसैन, माशाल्लाह हुसैन पाक से मोहब्बत करने वाले, इनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो दुआ करें। शेख दुआ آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا